नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं यक्षा कर्ण आशा बुद्धा विद्या संकुल के ऑनलाइन टीचिंग में आपका स्वागत है। विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 12वीं में शब्दावली विश्वकोश की शुरुआत परिचय और उपयोग का अभ्यास करेंगे। तो यह विद्यार्थी मित्रों, यह जब मैं पूरा पढ़ाऊंगी उसमें मैं आपको एक 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 मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं। तो पहले देखिए शब्दकोश और अन्य एक बड़ी सूची या ऐसा ग्रंथ जिसमें शब्दों की वर्तनी, उसकी व्युत्पत्ति, व्याकरण निर्देश, अर्थ, परिभाषा, प्रयोग और पदार्थ आदि का सन्निवेश हो। क्या कहते हैं कि शब्दकोश में क्या होता है कि शब्द का वर्तन कैसा है, उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, उसका व्याकरण का व्याकरण पूर्ण व्याकरण है उसको क्या कहते हैं, ये सब भी जो बात है वो इसमें आती है। शब्दकोश एक भाषीय हो सकते हैं, द्विभाषीय या बहुभाषीय। अधिकतर शब्दकोशों में शब्दों के उच्चारण के लिए भी व्यवस्था होती है। जैसे अंतरराष्ट्रीय ध्वन्यात्मक लिपि में देवनागरी लिपि में या ऑडियो आदि संचिका के रूप में कुछ शब्दकोशों में चित्रों का सहारा भी लिया जाता है। अलग अलग कार्य क्षेत्रों के लिए अलग अलग शब्दकोश हो सकते हैं, जैसे विज्ञान शब्दकोश, चिकित्सा शब्दकोश, विधि यानी कि कानूनी शब्दकोश और गणित का शब्दकोश। क्या कहते हैं कि विषय के जैसे विषय में शब्दकोश होते हैं, विज्ञान के, गणित के, कानून के, ऐसे सभ्यता और संस्कृति के उदय से ही मानव जान गया था कि भाव के सही संप्रेषण के लिए सही अभिव्यक्ति आवश्यक है। सही अभिव्यक्ति के लिए सही शब्द का चयन आवश्यक है। सही शब्द के लिए चयन के लिए शब्दों के संकलन आवश्यक है। शब्दों और भाषा के मानकीकरण की आवश्यकता समझकर आरंभिक लिपियों के उदय से बहुत पहले ही आदमी ने शब्दों का लेखा जोखा रखना शुरू कर दिया था। इसके लिए उसने कोश बनाना शुरू किया। कोश में शब्दों का इकट्ठा किया जाता है। क्या कहते हैं कि कोश में क्या कहते हैं कि जो शब्द है उसको इकट्ठा किया जाता है, उसके अर्थ जो है वो निकल जाते हैं। शब्दकोश हमारे परिचित भाषाओं में कोशों के कोशों में ऑक्सफर्ड इंग्लिश डिक्शनरी के परिशीलन में उपलब्ध समस्त प्रवृत्तियों का उत्कृष्ट निर्देशन किया जाता है। उसमें शब्दों के सही उच्चारण का संकेत चिन्हों से विशुद्ध और परिनिष्ठ बोध भी कराया जाता है। यूरोप के उन्नत और समृद्ध देशों की प्रायः सभी भाषाओं में विकसित स्तर की कोश विद्या के आधार पर उत्कृष्ट विशाल प्रारंभिक प्रमाणिक संपन्न देशों का निर्माण हो चुका है और उन देशों में कोश निर्माण के लिए ऐसे स्थायी संस्थान प्रतिस्थापित किए जा चुके हैं जिसमें अबाध गति से सर्वदा कार्य चलता है। क्या कहते हैं कि विदेश में ऐसे कोश बनाने के लिए कुछ संस्थाएं उन्हें काम दिया जा सकता है और यहाँ पर वहाँ पर ये काम अच्छी तरह से होता है। लब्ध प्रतिष्ठा और बड़े बड़े विद्वानों का सहयोग तो उन संस्थाओं को मिलता ही है जहाँ लोग जनता भी सहयोग देते हैं। अंग्रेजी डिक्शनरी तथा अन्य भाषाओं में निर्मित कोशकारों के रचना विधान वैशिष्ट्य का अध्ययन करने से अध्ययन कोशों में निम्न निर्देशित बातों का अनियोग आवश्यक करता है। क्या कहते हैं कि जियो जो संस्थाएं उन्हें पैसे तो मिलते हैं लेकिन कुछ ऐसे सेवा के लोग भी होते हैं, जो ऐसे जागरूक लोग भी होते हैं वो उन्हें पैसा देते हैं। अब कोश बनाते हैं विश्व शब्द कोश तो उसके लिए क्या क्या जरूरी जो बातें हैं वो देखें तो उच्चारण सूचक संकेत चिन्हों के माध्यम से शब्दों के स्वर व्यंजन का पूर्णतः शुद्ध और प्रतिनिष्ठ उच्चारण स्वरूप बनाना बताना और स्वराजा बलगत का निर्देश करते हुए यथासंभव उच्चारण अंश के अक्षर की वैधता और अवैधता का परिचय देना। कहते हैं कि उच्चारण सूचक जो संकेत होते हैं, संकेत चिन्ह होते हैं जिससे हम उच्चारण जिससे हमारा उच्चारण शुद्ध हो ऐसे चिन्ह भी लगाने चाहिए। व्याकरण संबंध उपयोग और आवश्यक निर्देश देना। कहते हैं कि व्याकरण संबंधी जो शब्द है